चलो दोस्तों, चलिए सेकंड चैप्टर में इक्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं। इक्वालिटी, समानता। तो उदारवादियों के अनुसार यानी लिबरल्स क्या कहते हैं उदारता के बारे में, मतलब इक्वालिटी के बारे में, कि समानता वैधानिक होती है, यानी ये लीगल इक्वालिटी की बात करते हैं। लीगल इक्वालिटी अर्थात व्यक्ति कानून एवं नियमों के समक्ष समान होता है। तो ला और रूल्स के अंतर्गत व्यक्ति समान होता है। तो ये आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ दिया गया है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में। लॉ के अनुसार प्रकृति के सभी मनुष्यों को समान एवं स्वतंत्र पैदा किया गया है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता अथवा संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचा सकता। तो एवरीबॉडी इज बॉर्न फ्री एंड नोबॉडी कैन डिस्ट्रॉय संबंसेस लाइफ, हेल्थ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र में कहा गया है कि सभी लोग जन्म से समान हैं और निर्माता ने सभी मनुष्यों को समान अधिकार दिए हैं। तो एवरीबॉडी इज इक्वल बाय बर्थ एंड क्रिएटर हैज गिवन एवरी ह्यूमन बीइंग सेम राइट्स। वर्ष 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के घोषणा पत्र में कहा गया कि मर्यादा और अधिकारों में सभी लोग जन्म से स्वतंत्र और समान हैं। तो ये भी सेम बात करते हैं। मार्क्सवादियों और समाजवादियों यानी मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट ने तात्विक समानता पर बल दिया। तो इन्होंने तात्विक माने फंडामेंटल इक्वालिटी की बात करते हैं, जिसमें रोजगार, अधिकारों, संपत्तियों का समानतापूर्ण वितरण एवं राज्य के नियंत्रण पर बल दिया। समानता की संकल्पना आधुनिक युग की देन है। तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी। आधुनिक युग में समानता की संकल्पना को केंद्र बनाने का श्रेय रूसो को जाता है। तो रूसो इज क्रेडिटेड टू मेक इक्वालिटी एज अ सेंट्रल पॉइंट इन मॉडर्न एज। तो रूसो ने इक्वालिटी को केंद्रीय समानता की संकल्पना को केंद्रीय मतलब सेंट्रल पॉइंट बनाया। आशय समानता चाहिए से संबंधित संकल्पना है, यानी ought to be। तथ्यात्मक रूप से समानता नहीं होती है, तो ऑब्जेक्टिवली आप समानता को हासिल नहीं कर सकते। समानता का अर्थ समाज में विशेषाधिकारों एवं विषमताओं को समाप्त करना है। तो जो प्रिविलेजेस हैं और जो इनइक्वालिटीज हैं उनको समाप्त करना समानता का अर्थ है। अतः समानता का अर्थ विभेदों का अंत है। तो जो डिविजन्स होते हैं, कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, उसका अंत करना ही समानता है। परंतु समानता का आशय प्रत्येक प्रकार के विभेदों की समाप्ति नहीं है, बल्कि अतार्किक विभेदों की समाप्ति है। मतलब अनरीजनेबल जो विभेद हैं उनकी समाप्ति है। अतार्किक विभेदों का आशय लिंग, जाति एवं धर्म के आधार पर किए गए विभेद हैं। तो जो अतार्किक विभेद होते हैं अनरीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब होता है कि डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन। तो जो रिलीजन, कास्ट और जेंडर के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसे अनरीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। तो अतः समानता का अर्थ उन विषमताओं को हटाना है जो समाज द्वारा निर्मित है। तो समानता का अर्थ है कि उन इन इन इक्वालिटीज को डिस्ट्रॉय करना जो सोसाइटी द्वारा बनाई गई है, ना कि प्राकृतिक विषमताओं का अंत करना। तो जो नेचुरल इनइक्वालिटी है उसको समाप्त करना इसका उद्देश्य नहीं है। अब नेचुरल कोई व्यक्ति नेचर से ही दिव्यांग है ना, डिसेबल्ड है, तो उसका मतलब उसको डिस्ट्रॉय करना समानता का अर्थ नहीं है। केवल सोसाइटल जो जेंडर, क्लास, कास्ट, रीजन, रिलीजन के आधार पर जो इनइक्वालिटी पैदा होती है उनको समाप्त करना समानता का अर्थ है। समानता का आशय सभी के साथ समान व्यवहार नहीं है। समानता का आशय समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना समानता है। तो समानता यानी इक्वालिटी इज नॉट ट्रीटिंग एवरीबॉडी इक्वल। समानता का अर्थ होता है यानी इनइक्वालिटी मीन्स ट्रीटिंग
इक्वल इक्वली एंड अनइक्वल अनइक्वली। तो जो इक्वल्स हैं उनको इक्वल ट्रीट करो और जो अनइक्वल्स हैं उन्हें अनइक्वली ट्रीट करो, ये इसका अर्थ होता है। अतः समानता का समकालीन युग में सबसे सटीक अर्थ अवसर की समानता है, यानी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। लास्की के अनुसार समाज में कोई व्यक्ति इतना ऊंचा ना होने पाए कि पड़ोसी अपनी नागरिकता और स्थिति में स्वतः को हीन समझे। तो नो बडी शुड बी दैट मच यू नो हायर कि जो उसके पड़ोसी हैं वो अपने आप को ना लोअर काइंड ऑफ पीपल समझने लगे। तो ये इसका अर्थ है। विभिन्न विचारकों के अनुसार समानता की संकल्पना क्या है? तो 20वीं शताब्दी में समानता के सबसे बड़े समर्थक आर एच टोनी रहे हैं। आर एच टोनी हैं। इंग्लैंड में असमानता का अर्थ व्याप्त है, इंग्लैंड में असमानता का धर्म व्याप्त है। इसकी रचना इक्वेलिटी 1931 है। तो इनकी रचना कौन सी है? आर एच टोनी की इक्वेलिटी, ये 1931 में आती है। इनकी अन्य रचनाएं हैं द एक्यूजेटिव सोसाइटी, ये 1920 में आती है, एक्यूजेटिव सोसाइटी, और रिलीजन एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म, ये 1926 में आती है। एजुकेशन द सोशलिस्टिक पॉलिसी, ये 1924 में आती है। हाब्स के लेखन के दौरान इंग्लैंड में समानता के लिए दो समांतर आंदोलन चल रहे थे, तो दो पैरेलल कैंपेन चल रहे थे समानता के लिए हॉब्स के टाइम में। लेबलर्स यानी राजनीतिक समानता, तो ऐसे व्यक्ति जो पॉलिटिकल इक्वलिटी चाहते थे, ऐसे समर्थक थे, सपोर्टर थे, लेबलर्स उनको कहा जाता था। और डिगर्स अर्थात समानता के आर्थिक समानता के समर्थक, इसके नेता कौन थे? निन स्टले। तो डिगर्स इकोनॉमिक इक्वलिटी के समर्थक थे और जो लेबलर्स थे वो पोलिटिकल इक्वलिटी के समर्थक थे। लॉक के विचारों में नैतिक समानता की संकल्पना अंतर्निहित है। तो लॉक मोरल इक्वलिटी की बात करते हैं। लॉक ने स्पष्ट कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य समान थे, तो नेचुरल स्टेट एवरीबॉडी वाज इक्वल, है ना, तो हर व्यक्ति इक्वल था प्राकृतिक स्टेट में, मतलब नेचुरल स्टेट में। सभी व्यक्तियों को ईश्वर ने समान अधिकार दिया है, सभी व्यक्तियों को ईश्वर ने समान अधिकार दिया है। बेंथम ने पहली बार राजनीतिक समानता का सूत्र प्रस्तुत किया, एक व्यक्ति एक मत, तो वन पर्सन वन वोट, बेंथम ने ऐसा कहा, वन पर्सन वन वोट। समानता के आयाम, तो वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी क्या क्या हैं? औपचारिक समानता या निरपेक्ष समानता, तो फॉर्मल या एब्सोल्यूट इक्वालिटी क्या होती है? जो क्लासिकल उदारवादी हैं, क्लासिकल लिबरल्स हैं और न्यू लिबरल्स हैं, विचारक जो हैं वो इस समानता का समर्थन करते हैं, यानी फॉर्मल इक्वलिटी की बात करते हैं। कौन? क्लासिकल और न्यू लिबरल्स। औपचारिक समानता के समर्थक हॉब्स हैं, लॉक हैं, बेंथम हैं, मिल इत्यादि विचारक हैं। फॉर्मल इक्वलिटी में निम्न प्रकार की समानता को शामिल किया जाता है, कौन कौन सी? नैतिक समानता यानी मोरल इक्वलिटी। समानता का आरंभिक विचार नैतिक समानता के रूप में आया। नैतिक समानता एक आदर्शवादी संकल्पना, तो ये एक आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है नैतिक मोरल इक्वलिटी। मोरल इक्वलिटी का आशय सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्ति ईश्वर की समान संतान है। हॉब्स लॉक द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था में नैतिक समानता विद्यमान थी। वैधानिक इक्वलिटी, तो लीगल इक्वलिटी, ये भी फॉर्मल इक्वलिटी के अंतर्गत ही आती है। तो वैधानिक यानी लीगल इक्वलिटी का आशय क्या है? कि विधि के समक्ष समानता है, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। अतः विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे, तो बिफोर लॉ एवरीबॉडी विल बी इक्वल। वैधानिक यानी लीगल इक्वलिटी के समर्थक कौन कौन से हैं? लॉक हैं, बेंथम हैं, बेंथम तो बहुत बड़े समर्थक हैं, ऑस्टिन हैं, मिल हैं। फिर सोशल इक्वलिटी, सामाजिक समानता, तो समाज में धर्म, जाति एवं लिंग के आधार पर विभेद की समाप्ति, तो समाज में विशेषाधिकारों एवं विषमताओं का अंत करना तथा अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। राजनीतिक समानता यानी पॉलिटिकल इक्वलिटी, तो प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक जीवन में सहभागिता का समान अधिकार प्रदान करना, प्रत्येक व्यक्ति को समान मत देने का अधिकार प्रदान करना। बेंथम ने सर्वप्रथम एक व्यक्ति एक मत का विचार दिया, तो बेंथम ने सबसे पहले वन
पर्सन वन वोट का कॉन्सेप्ट दिया। आर्थिक इकोनॉमिक इक्वालिटी, तो इसका समर्थन कल्याणकारी राज्य के समर्थक एवं समाजवादी विचारक करते हैं। तो जो वेलफेयर स्टेट के थिंकर हैं, वेलफेयर स्टेट के जो थिंकर हैं और जो सोशलिस्ट थिंकर हैं वो इसका समर्थन करते हैं। न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, तो मिनिमल इकोनॉमिक नीड्स, आवश्यकताओं की पूर्ति करना इसका उद्देश्य होता है। व्यक्तियों को काम करने का अधिकार प्रदान करना, तो राइट टू वर्क दिया जाना चाहिए व्यक्तियों को। फिर जेंडर इक्वलिटी, तो पितृसत्तात्मक सत्ता की समाप्ति करना इसका उद्देश्य है। निजी एवं सार्वजनिक जीवन में विभेद की समाप्ति, तो जो पर्सनल और पॉलिटिकल स्फीयर में जो डिफरेंस होता है उसको समाप्त करना चाहिए। महिलाओं के घरेलू कार्यों का महत्व स्वीकार करना, ब्रिटेन के वो विचारक जो समाजवादी झुकाव रखते थे उनमें रिचर्ड टॉनी, जॉर्ज आरवेल, रिचर्ड टटमस प्रमुख थे। अवसर की समानता, तो यह समानता का सर्वस्वीकृत आधुनिक रूप है। तो अवसर की समानता इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इक्वलिटी का यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। समानता की, अवसर की समानता का अभिप्राय समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार, तो ट्रीटिंग इक्वल इक्वली एंड अनइक्वल अनइक्वली, ये है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो अवसर की समानता का मूल अभिप्राय है आरंभिक स्थिति या मूलभूत रूप में समानता लाना है, प्रत्येक स्थिति में नहीं। तो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। इक्वलिटी अब अपॉर्चुनिटी क्या है कि जो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होना चाहिए प्रत्येक, यानी हर स्थिति में, इन एवरी सिचुएशन देयर शुड नॉट बी इक्वलिटी, ये इसका है। जो डार्किन है, डार्किन अवसर की समानता को संसाधनों की समानता के रूप में व्यक्त करते हैं। तो इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेस, इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेस ये डार्किन कॉन्सेप्ट देते हैं। डार्किन के अनुसार आरंभिक स्थिति में लोगों को समान संसाधन दिए जाएंगे, तो जो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल होगा, मतलब इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट होगा, तो इनिशियली लोगों को समान संसाधन दिए जाएंगे। तो इसमें दोस्तों डार्किन के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं कि डार्किन जो इगेलिटेरियन थिंकर है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, डार्किन जो अपनी ये इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात, इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी जस्ट जो ये कॉन्सेप्ट देते हैं वो एक कहानी के माध्यम से इसको प्रकट करते हैं। उनका कहना है कि फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग किसी नाव में जा रहे थे समुद्र में, और ऐसी स्थिति पैदा होती है कि वो जो है तो किसी एक आइलैंड पर, जो निर्जन काइंड ऑफ अबेंडेंड आइलैंड है, वहाँ पर उनकी जो बोट है वो रुक जाती है और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अब अपनी जो पुरानी दुनिया है उसमें जा सके। तो जो वहाँ के रिसोर्सेज हैं उस आइसलैंड के, उनको बांटने का क्या मतलब वो होना चाहिए, सिस्टम क्या होना चाहिए। तो वो जो डार्किन है वो सेल, क्लैम सेल की बात करते हैं। क्लैम सेल यानी कौड़ियाँ लोगों को दी जानी चाहिए, मतलब एक फॉर एग्जाम्पल 100 कौड़ियाँ सबको दे दी गई जितने व्यक्ति हैं। अब ये लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि वो उन कौड़ियों का उपयोग जो आइलैंड में उपलब्ध संसाधन है उनको खरीदने में किस प्रकार करते हैं। तो कोई व्यक्ति है ना जमीन खरीद सकता है, कोई व्यक्ति है ना वाटर खरीद सकता है, तो ये उन पर निर्भर करता है कि जो है तो वो अपना जो उनके पास क्लैम सेल्स हैं वो उसका किस प्रकार यूज करते हैं। पर इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट होना चाहिए, मतलब जो इनिशियली सबको 100-100 क्लैम सेल ही मिलने चाहिए, तो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट होना चाहिए, ये वो बात करते हैं, है ना। तो आगे पढ़ते हैं, तो परंतु डार्किन शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को अन्य लोगों से अधिक सुविधाएं प्रदान करने का समर्थन करते हैं, पर जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनको वो अन्य जो लोग हैं जो मेंटली फिजिकली फिट हैं उनसे ज़्यादा क्लैम सेल्स या कि अधिक सुविधाएं देने का समर्थन करते हैं। डार्किन ने पेंशन योजना का नाम दिया है, जिसे डार्किन ने पेंशन योजना यानी पेंशन योजना का नाम दिया। डार्किन की रचना टेकिंग राइट्स सीरियसली 1977 में आती है, टेकिंग राइट्स सीरियसली। इक्वलिटी के बहुत बड़े काइंड ऑफ विचारक हैं डार्किन, उनकी एक महत्वपूर्ण जो सॉवरन वर्चू बुक है 2000 में आती है। फिर लॉज एम्पायर, ये 1900
86 में आती है, और उनका मानना था कि इक्वलिटी इज मोस्ट इंडेंजर्ड वर्चू है। इक्वलिटी मतलब बहुत ज़्यादा ये खतरे से घिरी हुई वर्चू है, और ये इनका महत्वपूर्ण मतलब विचार थे। जॉन रॉल्स भी अवसर की समानता के समर्थक हैं, तो जॉन रॉल्स ने भी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की है। रॉल्स के अनुसार अवसर की समानता का आशय व्यक्तियों को मूलभूत प्राथमिक वस्तुओं को प्रदान करना है, तो जो फंडामेंटल बेसिक नीड्स हैं उनको प्रदान करना ही अवसर की समानता है। अवसर की समानता का व्यवहारिक पक्ष तो प्रैक्टिकल आस्पेक्ट देख लेते हैं। अफर्मेटिव एक्शन सकारात्मक क्रिया है, अफर्मेटिव एक्शन, फॉर एग्जाम्पल भारत में रिजर्वेशन जो होता है वो अफर्मेटिव एक्शन है। तो यह व्यवस्था अमेरिका में प्रचलित है, इसमें जिसके द्वारा अचेतों के सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए सरकार विश्वविद्यालय द्वारा कुछ विशेष उपाय एवं प्रबंध किए जाते हैं। सकारात्मक क्रिया के अंतर्गत अमेरिका में विश्वविद्यालयों में अस्योतों के लिए कम अंकों पर प्रवेश दिया जाता है, अस्योतों के लिए सीट आरक्षित कर दी जाती है। तो ये रिजर्वेशन सिस्टम है कुल मिलाकर अफर्मेटिव एक्शन। भारत में अवसर की समानता क्या है, तो भारतीय संविधान में अवसर की समानता को संरक्षात्मक विभेद यानी रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन या विधि के समक्ष समान संरक्षण की संज्ञा दी गई है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, जिसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग के लोगों को सेवाओं में आरक्षण प्रदान किया जाता है। यह विभेद संरक्षात्मक है यानी ये रिजर्व रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि समाज के वंचित वर्गों के संरक्षण एवं उत्थान के लिए विभेद आवश्यक है। तो ये काइंड ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी है कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, लेकिन ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, परिणामों के समानता या परिस्थितियों की समानता। तो इक्वलिटी ऑफ आउटकम, यस इक्वल है ना, इक्वलिटी ऑफ सिचुएशंस ये देखते हैं। तो परिणामों की समानता का समर्थन मार्क्सवादी विचारक करते हैं। तो मार्क्सिस्ट जो थिंकर्स हैं वो इक्वलिटी ऑफ आउटकम की बात करते हैं। परिणामों की समानता का आशय सभी व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को समान बना देना, तो एवरीबडीज इकोनॉमिक सिचुएशन शुड बी इक्वल, ये इसका मानना है। परिणामों की समानता के अंतर्गत मार्क्सवादियों ने समाज से आर्थिक एवं सामाजिक विषमता को पूर्ण रूप से समाप्त करने का नारा दिया। तो जो है तो सोशल और इकोनॉमिक जो इनइक्वलिटी है उसे एब्सोल्युटली खत्म करने की बात करते हैं, एब्सोल्यूट इक्वलिटी की बात करते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था की समाप्ति के बाद ही वास्तविक समानता स्थापित होती है। तो जो कैपिटलिज्म जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है अगर उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, तभी हम रियल इक्वलिटी अचीव कर पाएंगे। परिणामों की समानता की आलोचना, तो जो इक्वलिटी ऑफ आउटकम है उसकी आलोचना भी की जाती है। तो मिलोवान जिलास ने अपनी पुस्तक द न्यू क्लास 1957 में आती है में कहा कि समाजवादी समाज में समानता केवल एक दिखावा है, वास्तविक रूप में पार्टी के मुट्ठी भर पदाधिकारियों ने व्यवस्था पर नियंत्रण कर रखा है। जेम्स बरहम ने अपनी पुस्तक द मैनेजेरियल रिवोल्यूशन जो कि 1941 में आती है, ये भी मार्क्सिस्ट थिंकर ही हैं, ने प्रबंधकीय क्रांति की चर्चा करते हुए आधुनिक समाज को उत्तर प्रौद्योगिक समाज की संज्ञा दी है, तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की ये बात करते हैं। इसके अनुसार आधुनिक समाज में यानी जो मॉडर्न सोसाइटी है में व्यवसायी और तकनीक विशेषज्ञ जो ट्रेडर्स हैं और जो टेक्नीशियन हैं महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, इसलिए ना तो पूंजीवादी प्रधान है ना ही सर्वहारा वर्ग प्रधान है। तो नाइदर कैपिटलिस्ट नॉर प्रोलेटेरिएट, नोबडी इज सुपीरियर, बल्कि जो टेक्नीशियन हैं जो ट्रेडर्स हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो समान मतलब वो हो गए। विभिन्न विचारधाराओं के अनुसार समानता का अर्थ, तो जो क्लासिकल लिबरल्स हैं या ट्रेडिशनल लिबरल्स हैं, शास्त्रीय उदारवादी या परंपरागत उदारवादी, वो क्या बोलते हैं, तो ये समानता को वैधानिक और औपचारिक या राजनीतिक समानता के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ये लीगल फॉर्मल और पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करते हैं। मार्क्सिस्ट इक्वलिटी ऑफ आउटकम और इक्वलिटी ऑफ सिचुएशन की बात करते हैं। ये मूल रूप से समानता को आर्थिक समानता के रूप में मानते हैं। तो
समानता मतलब इक्वलिटी इज इक्वल टू इकोनॉमिक इक्वलिटी। इसके अनुसार आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक और वैधानिक समानता निरर्थक। तो इन एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी देयर इज नो मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल एंड लीगल इक्वलिटी। सकारात्मक उदारवादी या कल्याणकारी राज्य के समर्थक, तो जो पॉजिटिव लिबरल्स हैं या वेलफेयर स्टेट के जो समर्थक हैं, उनके अनुसार समानता का आशय अवसर की समानता है, तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं ये पॉजिटिव लिबरल्स। जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के अंतर्गत वैधानिक आर्थिक राजनीतिक सभी तरह की समानता शामिल है, तो जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है या पॉजिटिव लिबर्टी है ये वैधानिक आर्थिक और राजनीतिक सभी प्रकार की इक्वलिटी को शामिल करता है, इंक्लूड करता है। समानता की सामुदायिक संकल्पना यानी कम्युनिटेरियन जो थिंकिंग है वो क्या है, वाल्जर ने कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का विचार दिया, जटिल समानता की बात करते हैं वाल्जर। उनके अनुसार समाज में मूलभूत वस्तुओं के वितरण के भिन्न मानदंड होने चाहिए, तो मूलभूत जो फंडामेंटल जो वस्तुएं होती हैं ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। प्रत्येक समाज के लिए एक समान वस्तुएं उपयोगी नहीं है, तो डिफरेंट थिंग्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंटली। और जो एक समान वस्तुएं हैं यानी सिमिलर थिंग्स कैन नॉट हैव यूटिलिटी फॉर एवरी सोसाइटी। ये उसके अनुसार सभी व्यक्तियों को समान मूलभूत आवश्यकताएं प्राप्त होनी चाहिए, तो हर व्यक्ति को बेसिक मिनिमम नीड्स हैं वो तो हर व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए, परंतु प्रत्येक क्षेत्र में समानता संभव नहीं है, तो लेकिन हर क्षेत्र में इक्वालिटी नहीं लाई जा सकती। चार्ल्स टेलर भी समुदायवादी हैं, वो भी कम्युनिटेरियन थिंकर हैं। उनकी प्रसिद्ध रचना है सोर्सेस ऑफ सेल्फ 1989 में आती है, सोर्सेस ऑफ सेल्फ। समानता की नारीवादी संकल्पना, तो उदारवादी नारीवाद यानी लिबरल फेमिनिस्ट है क्या है, तो लिबरल फेमिनिस्ट हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र में समानता के समर्थक हैं, तो जो पब्लिक स्पीयर है उसमें भी इक्वलिटी की बात करते हैं। समान राजनीतिक अधिकार एवं शिक्षा अधिकार के समर्थक हैं। उग्र नारीवाद, तो जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं वो निजी जीवन में समानता के समर्थक हैं, तो जो पर्सनल स्फीयर है उस पर ये इक्वलिटी की बात करते हैं। नैतिक वैधानिक राजनीतिक एवं आर्थिक समानता आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं, तो मॉरल लीगल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इक्वलिटी जरूरी तो है, इट इज नीडेड, बट ये सफिशियंट नहीं है। नारीवादियों ने पितृ सत्तात्मक सत्ता का विरोध किया है, तो वो जो पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है, पैट्रियार्कल माइंडसेट होता है, उसका विरोध करते हैं रेडिकल फेमिनिस्ट। पितृ सत्तात्मक सत्ता का अभिप्राय सार्वजनिक क्षेत्र पुरुषों का होता है जबकि निजी एवं घरेलू क्षेत्र महिलाओं को दे दिया गया है, तो जो पब्लिक स्पीयर है, पब्लिक स्पीयर बिलोंग टू मेल एंड प्राइवेट स्पीयर और डोमेस्टिक स्पीयर बिलोंग टू फीमेल। ये है, महिलाएं इस निजी एवं घरेलू क्षेत्र में भी पुरुषों के अधीन होती हैं, तो उनका मानना है कि जो फीमेल्स हैं वो प्राइवेट स्पीयर में या डोमेस्टिक स्पीयर में वो पुरुषों के अधीन होती हैं। महिलाओं के समान नाम न होने की समस्या या पहचान का संकट होता है, तो जो बेटी फ्रीडन है वो ये कॉन्सेप्ट देती हैं। प्रॉब्लम विच हैज नो नेम या आइडेंटिटी क्राइसिस होता है उसका ये नाम देती हैं कि प्रॉब्लम विच हैज नो नेम। फेमिनिज्म हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे मतलब जो बेटी फ्रीडन है कैसे अपने फेमिनिस्ट आइडियाज में वो प्रॉब्लम विच हैज नो नेम का कॉन्सेप्ट देती हैं, उसको अच्छे से समझेंगे। घरेलू श्रम का कोई मूल नहीं है, तो जो डोमेस्टिक लेबर है इट हैज नो मीनिंग, इट हैज नो वैल्यू। सेक्स जैविक संकल्पना, जेंडर सांस्कृतिक संकल्पना, परिधान, बड़े बाल का निर्धारण समाज द्वारा या फिर सत्तात्मक समाज द्वारा होता है। समानता का आशय यह नहीं है कि नारी को पुरुषों के समान बना दिया जाए, बल्कि नारीवादी मूल्यों को समाज में उचित स्थान दिया जाए, तो जो फेमिनिस्ट वैल्यूज हैं उनको समाज में रिस्पेक्टेबल पोजीशन दी जाए। ये मतलब नहीं है कि फीमेल और मेल इक्वल हो जाए। पुरुषों की बहादुरी और साहस को प्रभावी बनाकर प्रस्तुत किया गया है, तो उनका मानना है
फेमिनिस्ट थिंकरों का, कि जो पुरुषों की जो वैलर है और उनका जो करेज है उसको बहुत ज़्यादा एग्जेजरेस करके प्रेजेंट किया गया है, बहुत ज़्यादा उसकी अतिशयोक्ति हुई। कैरोल पेटमैन, महिलाओं को पितृसत्तात्मक सत्ता द्वारा निजी क्षेत्र के तहत रखा गया है, कल्याणकारी राज्य को पितृसत्तात्मक राज्य की संज्ञा दी, महिलाएं अभी भी प्राकृतिक अवस्था में हैं, सामाजिक समझौते में शामिल नहीं हैं। इनकी रचना फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ ऑफ द पब्लिक प्राइवेट डाइकॉटमी, ये 1983 में आती है, फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ द पब्लिक प्राइवेट डाइकॉटमी। बेटी फ्रीडम, तो ये महिला मुक्ति की जन्मदाता हैं, वुमेन लिबरेशन की ये मदर कही जाती हैं। द्वितीय चरण में नारीवादी आंदोलन यानी रेडिकल फेमिनिस्ट का आधार रखा गया, तो सेकंड स्टेज में या मतलब जो सेकंड फेज था तो फेमिनिस्ट रिवोल्यूशन का, उसमें रेडिकल फेमिनिज्म आया। इसकी रचनाएं कौन कौन सी हैं बेटी फ्रीडम की, द फेमिनिस्ट मिस्टेक ये 1963 में आती है, फेमिनिस्ट मिस्टेक, और सेकंड स्टेज ये 1981 में आती है। मुख्य समस्या नाम न होने की समस्या महिलाओं के समक्ष विद्यान है, तो जो मेन प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम विच हैज नो नेम वो महिलाओं के समक्ष विद्यमान है। केट मिलेट, नारीवादी राजनीतिक, दिन प्रतिदिन की राजनीति है, डे टू डे जो फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स है वो डे टू डे की पॉलिटिक्स है, ऐसा ही इनका मानना है। इनकी बुक है द सेक्सुअल पॉलिटिक्स, ये 1969 में आती है। जर्मीन ग्रीर, प्रसिद्ध रचनाएं हैं सेक्स एंड डेस्टिनी, ये 1984 में आती है, और फेमिनाइल फीमेल उनचिए 1970 में आती है। साइमन द बुबा का प्रसिद्ध कथन है, महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती हैं, तो सिमोन डी बीवर इनका जो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि वन इज नॉट वुमेन वन बिकम्स वुमेन, प्रसिद्ध कथन है कि व्यक्तिगत ही राजनीतिक है, तो पर्सनल इज पॉलिटिकल। इनकी पुस्तक है द सेकंड सेक्स, ये 1949 में आती है, द पर्सनल इज पॉलिटिकल, ये इनकी बुक ही है आ गई है, तो ये 1970 में आती है। वर्जीनिया वुल्फ, तो महिला होने के नाते मेरा कोई देश नहीं है, तो महिला होने के नाते मेरा कोई देश नहीं है, ये इनका मानना था कि आई एम अ फीमेल दैट्स वाई आई हैव नो कंट्री आई हैव नो स्टेट। अरूम ऑफ वंसेज ओन, 1929 में इनकी रचना है। मारियोसा डल्ला कोस्टा, इटली, महिलाओं को इनके घरेलू कार्यों के लिए वेतन प्रदान करना चाहिए। कैरोल गिलिगन, इन अ डिफरेंट वॉइस, इनकी पुस्तक है जो 1982 में आती है, कैरोल गिलिगन इन अ डिफरेंट वॉइस, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से लड़कियों का लगाव माँ से होता है जबकि पुरुष अपनी पहचान स्वतंत्र रूप से लाना चाहता है। उन्होंने देखभाल की नैतिकता यानी एथिक्स ऑफ केयर का विचार प्रस्तुत किया जो राल्स की न्याय की नैतिकता से अलग है। एल्स्टीन, इनकी रचना है पब्लिक मैन प्राइवेट वुमेन, एल्स्टीन इनकी रचना है पब्लिक मैन और प्राइवेट वुमेन, ये 1993 में आती है, पब्लिक मैन और प्राइवेट वुमेन। महिलाओं के पास केवल घरेलू कार्य है, शोषण का कारण सेक्स नहीं है, जेंडर। आयरिस मेरियन यंग ने जस्टिस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस 1994 में पुस्तक लिखी। इनकी अन्य रचनाएं हैं इंक्लूजन एंड डेमोक्रेसी, 2001 में आती है, इंक्लूजन एंड डेमोक्रेसी, ऑन फीमेल बॉडी एक्सपीरियंस, ये 2005 में आती है, ऑन फीमेल बॉडी एक्सपीरियंस। कोहेन ने रेस्क्यूइंग जस्टिस एंड इक्वलिटी, ये 2008 में लिखी, कोहेन नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने राल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना भी की, तो कोहेन ने राल्स के जो जस्टिस का प्रिंसिपल है उसको क्रिटिसाइज करती हैं। ओकिन की प्रसिद्ध रचना है जस्टिस जेंडर एंड द फैमिली, जस्टिस जेंडर एंड द फैमिली, ये 1991 में आती है। बहुसंस्कृतवादी समानता की संकल्पना यानी मल्टी कल्चरल व्यू ऑफ इक्वालिटी, तो भीकू पारिक एवं बिल किन का इसके मान्यताकार हैं। विषमता केवल आर्थिक नहीं होती, तो इनइक्वालिटी इज नॉट ओनली इकोनॉमिकल इट इज कल्चरल आल्सो, यह सांस्कृतिक भी होती है। समूह विशेष के अधिकारों की मांग करते हैं, तो यह पहचान की राजनीति का समर्थन करते हैं, तो पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात करते हैं। केमिका के अनुसार विभेदीकृत नागरिकता डिफ्रेंशिएटेड सिटीजनशिप प्रत्येक समूह की विभिन्न विशिष्ट आवश्यकताएं एवं लक्ष्य होते हैं। अल्पसंख्यकों को भी समाज में आत्मसम्मान प्राप्त होना चाहिए,
किमलिका के अनुसार अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने पर विशेष बल देना चाहिए। मेरियन यंग के अनुसार विभेद की राजनीति पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस का अर्थ है केवल लोगों को अधिकार प्रदान कर देना नहीं है, बल्कि उनके प्रति व्याप्त पूर्वाग्रह और विभेद को भी समाप्त करना। सामान्यतः ब्रिटिश और अमेरिकी समाजों में एशियाई मूल्यों को हेय दृष्टि से देखा जाता है। तो जो एशियन वैल्यू है उसको ब्रिटिश या जो वेस्टर्न वर्ल्ड है या अमेरिकन वर्ल्ड है वहाँ पर है ना इन्फीरियर तरीके से देखा जाता है। समानता के विरोधी विचारक तो जो इनइक्वालिटी के जो काइंड ऑफ क्रिटिसाइज करते हैं वो कौन कौन से, तो अरस्तु ने इनइक्वालिटी को नेचुरल माना है, प्राकृतिक माना है। लॉर्ड एक्टन के अनुसार समानता की आशा से स्वतंत्रता को निष्फल बना दिया, समानता की आशा ने स्वतंत्रता को निष्फल बना दिया। तो आइडिया ऑफ इक्वालिटी हैज डिस्ट्रॉयड द आइडिया ऑफ लिबर्टी। टॉकविले के अनुसार समानता का आशय बहुमत की निरंकुशता है। समानता का क्या आशय है? टायरनी ऑफ मेजोरिटी। पेरेटो, मोस्का एवं मिशेल जैसे अभिजनवादियों ने समानता का प्रबल विरोध किया है। तो ये एलिटिस्ट थिंकर हैं और इन्होंने पेरेटो, मोस्का और मिशेल ने इक्वालिटी का को क्रिटिसाइज किया है। समकालिक विचारक क्रिस्टोलविल ने योग्यता आधारित संकल्पना यानी जस्ट मेरिटोक्रेसी की संकल्पना का समर्थन किया है। इसके अनुसार वर्तमान समाज में भी विषमता व्याप्त है, लेकिन यह विषमता योग्यता, कौशल और उपलब्धि के आधार पर है। माइकल यंग ने अपनी रचना द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी 1958 में योग्यता तंत्र की आलोचना की तथा योग्यता आधारित संकल्पना यानी मेरिटोक्रेसी की भी आलोचना की। उदारवादी कभी भी परिणामों की समानता की बात नहीं करते। तो जो लिबरल्स होते हैं दे नेवर सपोर्ट इक्वालिटी ऑफ आउटकम। तो